पर्लपुरी की गिरफ्तारी पर अब उनकी एक और एक्स ने रिएक्ट किया है। करिश्मा तन्ना के बाद अब अस्मिता सूद आगे आई हैं और उन्होंने पर्ल को लेकर कई खुलासे किए हैं। वो जिस पर्ल को जानती हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि अब आप लोग बताइए कि क्या पर्ल ऐसा है या नहीं है। तो अस्मिता सूद साल 2015 में दोनों ने साथ में शुरुआत की थी और उसके बाद जो है वो कहती हैं, आज तक से बातचीत के दौरान मुझे बहुत सारे कॉल्स आए जिसके बाद मुझे इस बारे में पता चला। मुझे मामले की डिटेल्स के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था, मगर अब मुझे पूरा मामला पता चला तो मैं शॉक रह गई। पर्ल और मैंने साल 2015 में एक साथ शुरुआत की थी। हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हालात और रिश्तों के डायनामिक्स अचानक बदल जाते हैं। करीब 5 सालों से मैं पर्ल के टच में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि इन 5 सालों में पर्ल में कितना बदलाव आया है। मैं जिस पर्ल को जानती थी वो अपने करियर पर बहुत फोकस था और अपनी माँ के बहुत करीब था। अभी दोनों ही लक्षण इस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में पर्ल ऐसे आरोपों में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो इंसान बहुत फोकस हैं, जो एक महिला की जो उसकी ज़िंदगी में उनकी मदर है उसकी बहुत इज्जत करते हैं, उसके करीबी है, तो क्या वो ऐसे पढ़ सकते हैं। वो आगे कहती हैं, इस इंडस्ट्री में एक स्वतंत्र महिला के तौर पर काम करते हुए मैं ये जानती हूँ कि हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों के लिए तो विक्टिम सिर्फ एक शख्स होता है, मगर उस शख्स के पूरे परिवार को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ज़रा सोचिए कि ऐसी बातें सुनकर जो भी युवा लड़की इस फील्ड में आना चाह रही होगी उस पर और उनके पेरेंट्स पर अब क्या असर होगा, क्या वो उसे आने देंगे। तो इस तरीके से अब अस्मिता सूद ने ये कहा है कि वो जिस पल को जानती हैं उस पल को अगर वो सोचे तो ऐसे सभी आरोपों पर वो विश्वास नहीं कर सकती। वहीं पल के सपोर्ट में एकता कपूर, करिश्मा तन्ना, निया शर्मा, हिना खान, बहुत सारे जो हैं टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस आगे आए और उन्होंने पर्ल को सपोर्ट किया है। लेकिन टीवी सेलेब्स जब पर्ल को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पर उन्हें लताड़ भी लगी कि क्या आपका पर्ल जो है, यानी कि कोई एक सेलिब्रिटी जो है, वो किसी न्याय से ऊपर हो सकता है। और लोगों ने इस बात को लेकर लताड़ भी लगाई कि आप लोग बिना कुछ जाने किस तरीके से ब्लाइंड होकर पूरा अंधविश्वास रखकर पर्ल को सपोर्ट कर रहे हैं। पर्ल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। फिलहाल उनके जो है बेल की एप्लीकेशन के लिए उनके वकील ट्राई कर रहे हैं, लेकिन 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जो है फिलहाल उन्हें भेज दिया गया है। तो इसको लेकर अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।